News 18, India. उधर यरूशलम में चाकू से हमला करने वाले एक फिलिस्तीनी लड़के को इजराइल की पुलिस ने गोली मार दी। ये घटना उस वक्त हुई जब इजराइल के वो पुलिसकर्मी वेस्ट बैंक से लगने वाली सीमा के पास गश्त कर रहे थे और तभी उस लड़के ने एक पुलिसकर्मी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि एक रास्ते को पार करके वो उस पुलिस वाले के पास पहुंचा। पुलिस वाले ने लड़के की तलाशी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इतने में ही उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसे तेजी से चलाना शुरू कर दिया। चाकू देखते ही पुलिस वाले ने लड़के का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अंधाधुंध वार करता रहा। उसे देखते ही पास में खड़े दो पुलिसकर्मी भी दौड़कर वहां पहुंचे। हमले के बाद उस लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों पुलिस वालों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वो लड़का मुंह के बल सड़क पर गिर गया। इसराइल के मीडिया के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब इसराइल के वो पुलिसकर्मी यरूशलम की पूर्वी सीमा की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन तभी वेस्ट बैंक इलाके से आए 14 साल के उस फिलिस्तीनी लड़के ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस की गोली लगने से उस लड़के की वहीं मौत हो गई।